1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला है। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है। साथियों, गर्भावस्था के दौरान गरीब परिवारों में मातृ स्वास्थ्य चिंता का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसलिए हमने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, अस्पतालों में डिलीवरी और गर्भावस्था के दौरान पोषण योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 5000 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं, ताकि वो उचित खान पान का ध्यान रख सके। अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साथियों, बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सके, उनको स्कूल बीच में ना छोड़ना पड़े, इस पर भी हमने लगातार काम किया है। स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट बनाना हो, या फिर सैनिटरी पैड्स को गरीब से गरीब बेटियों के लिए सुलभ कराना हो, हमारी सरकार किसी भी काम में पीछे नहीं रही है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ बच्चियों के अकाउंट खोले गए हैं। ये पैसा बड़े होने पर उनके सपनों को पूरा करे, उसके लिए
इस पर ब्याज दर भी ऊंची रखी गई है। स्कूल कॉलेज के बाद करियर से लेकर गृह गृहस्थी तक भी हर कदम पर महिलाओं की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनने से, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब से गरीब बहनों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घर में ही नल से जल आने से बहनों के जीवन में सुविधा भी आ रही है और उनकी गरिमा में भी वृद्धि हुई है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत भी सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी बहनें ही हैं, चाहे वो अस्पतालों में डिलीवरी हो या फिर दूसरा इलाज। पहले पैसे के अभाव में बहनों के जीवन पर संकट रहता था, अब 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से उनकी ये चिंता दूर हो गई है। माताओं बहनों, भारतीय समाज में हमेशा से माताओं बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, लेकिन आज एक सच्चाई की तरफ भी मैं आपका पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। जिन घरों में पीढ़ियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी, आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण, सच्चा सशक्तिकरण। यही तो होता है विकास। माताओं बहनों, मैं आज आपको एक और योजना के बारे में बताना चाहता हूं। ये योजना है केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत देश भर के